नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जब से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कट ऑफ जारी किया गया लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, तब से बहुत सारे विद्यार्थी कुछ खुश हैं और कुछ छात्र नाराज हैं। बहुत सारे छात्रों को अलग अलग बिंदुओं पर नाराजगी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, जिसके बारे में मैंने सुबह वीडियो बनाया था। कुछ विद्यार्थियों का ये मानना है कि आखिरकार 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा, इसके बारे में पहले नोटिस जारी क्यों नहीं की गई। इसी तरीके से कुछ विद्यार्थियों को और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अलग अलग समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी आयोग में धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट भी जाने वाले हैं, जहाँ तक सोमवार या मंगलवार को नई याचिका पड़ जाएगी और सोमवार या मंगलवार को यूपी ट्रिपल एससी में धरना प्रदर्शन भी होने जा रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि क्या सर ये जो भर्ती है वो फंस जाएगी क्या, कि 15 गुना विद्यार्थियों को कैसे क्वालिफाई कराया गया है, पहले इसके बारे में नोटिस जारी क्यों नहीं गई की गई, आरक्षण में विसंगति हुई है, ओवरलैप क्यों नहीं कराया गया, जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ वो बराबर कैसे, महिलाओं की कट ऑफ ज़्यादा कैसे चली गई है, 15 गुना का मतलब ये 2.5 लाख कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों को समस्याएँ हैं। तो मैं एक लाइन में ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, सीधी सी बात कहूँगा कि ज़्यादातर जो मुद्दे हैं, एक आध मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन ज़्यादातर जो मुद्दे हैं वो गैर वाजिब हैं और उनमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि बड़ी भर्ती है, 12-13 लाख आवेदन आए हैं और तो कुछ न कुछ विद्यार्थियों को समस्याएं होंगी, कुछ न कुछ विसंगतियाँ होंगी ही। तो याचिका पढ़ना, धरना प्रदर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन विद्यार्थियों का चयन हो गया है वो विद्यार्थी मन लगा करके लेखपाल भर्ती की तैयारी करें, उसके पीछे रीज़न है। मुद्दा वाजिब हो या गैर वाजिब ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इस समय ज़्यादातर जो ऑर्डर हैं, ज़्यादातर जो माहौल है वो सरकार के पक्ष में है। विद्यार्थी पीईटी के लिए भी कोर्ट गए थे, हुआ क्या, पीईटी में आवेदन करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, सर्वर ख़राब था लास्ट के 3-4 दिन, और वास्तव में सर्वर ख़राब था, ये झूठ नहीं है, लेकिन मौका नहीं दिया गया इन विद्यार्थियों को। कब पीईटी और कब परीक्षा अब होने जा रही है, एएनएम की 8 तारीख को, उसके बाद में 19 जून को लेखपाल की है, तो तब पर भी इन विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया था पीटी में आवेदन करने के लिए। विद्यार्थी तो वीडियो की भर्ती के लिए भी गए थे, 2 साल तक घुमाती रही उत्तर प्रदेश की सरकार और आयोग, बाद लास्ट में एन वक्त पर वीडियो की भर्ती को रद्द कर दिया। किस तरीके से रद्द कर दिया, कुछ नहीं हुआ। विद्यार्थी दरोगा भर्ती की भी गए थे, करप्शन के विद्यार्थी जो है विधानसभा की आर ओ आर ओ के लिए भी कोर्ट में गए थे, हुआ क्या, कुछ नहीं। तो यही चीज़ें हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं किसी भी चीज़ के लिए। इसलिए आप लोग अपना मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, परीक्षा 99% संभावना है कि अपने तय समय पर ही होगी, इसलिए आप लोग दिग्भ्रमित बिल्कुल मत होइए। और जो छात्र जाना चाहते हों वो जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अगर जेन्युइन बात है तो वो बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी बातों में तर्क नहीं है। बहुत सारे छात्रों की बातों में तर्क है, आयोग की गलतियां हैं, मैं मानता हूँ आयोग की गलतियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद्यार्थी गलत हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या होगा, मतलब सरकार की चलती है इसलिए ऐसा होगा, ये नहीं कि मुद्दा सही है या मुद्दा गलत है, ठीक है। मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सरकार की चल रही है, सरकार जो चाहती है ज़्यादातर वैसे ही निर्णय आ रहे हैं और वैसी चीज़ें हो रही। हाँ, सरकार अगर ये बता देती कि ओवरलैप किस तरीके से हुआ है और कट ऑफ किस तरीके से ओबीसी का और जनरल का बराबर हुआ है, महिलाओं का कट ऑफ कैसे ज़्यादा चला गया, ये चीज़ें क्लियर कर देती थोड़ा सा तो चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हालांकि किसी चीज़ में कोई समस्या नहीं है, सरकार उसमें एफिडेविट लगा देगी, सरकार बता देगी और ज़्यादातर विद्यार्थियों को मौका मिला है। तो ये चीज़ें हो गई हैं और धरना प्रदर्शन के बारे में बता ही चुका हूँ कि एक जो ग्रुप है वो दिव्यांगों का है, वो ग्रुप जा रहा है, और एक तो वहीं पर एक और छात्रों का ग्रुप है जो कोर्ट जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि पीईटी में एज कुछ और मांगी गई थी और जो लेखपाल की भर्ती आई है उसमें कुछ एज और मांगी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पीईटी का जो नोटिफिकेशन आया था वो 1 जुलाई 2021
एज मांगी गई थी 21 से 40 वर्ष की जो एज होती है, और इसी तरीके से जो नया विज्ञापन जो जारी हो रहे हैं वो 1 जुलाई 2022 से, तो 2-3 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो लेखपाल भर्ती से बाहर हो गए एज की वजह से, तो ये विद्यार्थी भी कोर्ट जा रहे हैं। और फिलहाल तो ये जो एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी, ये 17 तारीख को यूपीटर प्रेस से घेराव करेंगे। तो जो इस तरीके के विद्यार्थी हैं वो घेराव कर रहे हैं 17 तारीख को, उसके पहले 9 मई को जा रहे हैं विद्यार्थी और कोर्ट भी जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो मोटी मोटी बात यही है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है और भर्ती रुकने की उम्मीद नहीं है। केस तो हो सकता है चलता रहे और कोर्ट स्वीकार भी कर सकती है याचिका, लेकिन भर्ती का जो एग्ज़ाम डेट है वो उसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज फिर से बयान दिया है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने, और ये निश्चित हो चुका है कि जो शिक्षक भर्ती है वो अब इस साल नहीं आएगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसे आप लोग एक बार यहाँ पर सुन सकते हैं, देखिए एक टीवी चैनल को उन्होंने आज क्या बताया है। शिक्षक हैं सारे भरपूर हैं और इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है कि सभी जगहों पे शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो बराबर बना रहे। भर्ती को लेकर के क्या कहेंगे? अभी कोई नई भर्ती का प्रकरण नहीं है सरकार के पास में, और जितने भी पुराने प्रकरण चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण करने का हमारा प्रयास है। जगहों पे ये शिक्षक है ऐसी जो कार्य हैं सारे भरपूर हैं और इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है कि सभी जगहों पे शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो बराबर बना रहे। भर्ती को लेकर के क्या कहेंगे? अभी कोई नई भर्ती का प्रकरण नहीं है सरकार के पास में, और जितने भी पुराने प्रकरण चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण करने का हमारा प्रयास है। तो जो वर्तमान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं संदीप सिंह जी, ये लगता है जो पुराने वाले शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी 4 कदम आगे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 26,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो फिलहाल इतना तो निश्चित हो गया कि नई शिक्षक भर्ती, जो बड़ी शिक्षक भर्ती की बात हो रही थी वो अब नहीं आएगी, ठीक है। और 26,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि हो सकता है कि जून के महीने में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए और आवेदन ले लिया जाए। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड बहुत जल्द यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाला। उम्मीद की जा रही है कि इसी माह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा और अगले माह जून से आधिकारिक वेबसाइट upppb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि जून के महीने में ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और जून के महीने से ही इसके आवेदन शुरू होंगे। नोटिफिकेशन इस महीने आना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी ये महीना लास्ट है या जून है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा। बाकी की जो भी औपचारिकताएं थी, टेंडर प्रक्रिया इत्यादि की, वो सब संपन्न हो चुकी हैं। 2022 में पुलिस विभाग से कुछ और भी भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे नई SI और ASI भर्ती। जैसे एक तो SI भर्ती है, लगभग 850 पदों पर होनी है पुलिस दरोगा सिविल, और एक ASI भर्ती है गोपनीय जिसमें कंप्यूटर इत्यादि की जो योग्यता है वो मांगी जाती है। इसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है, उसकी जो टेंडर प्रक्रिया थी आज की वो समाप्त हो रही थी, तो उसकी डेट बढ़ा दी गई है, 20 मई तक कर दी गई है। ये आज ही का समाचार पत्र है, यूपी पुलिस SI नई भर्ती के लिए टेंडर प्रक्रिया की डेट बढ़ गई है, अब 20 मई तक के लिए शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। 20 मई तक तो नहीं होगी, इसमें कम से कम अभी 4 महीने लगेंगे, 3 या 4 महीने दरोगा भर्ती के लिए। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जल्दी आएगी मगर इसमें भी थोड़ा सा 2 से 3 महीने अभी लगेंगे। 20 मई के बाद 20 मई तक का तो टाइम दिया है परीक्षा एजेंसियों को बिड करने के लिए। तो लिखा है कि पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस में SI और ASI की नई भर्ती के लिए चल रहे टेंडर प्रक्रिया में निविदा जमा करने की जो डेट है वो बढ़ा दी है और अब जो डेट है वो 20 मई तक कर दी है। संबंधित एजेंसियां 20 मई तक यूपी पुलिस SI और ASI की नई भर्ती के लिए टेंडर जमा करा सकती हैं। टेंडर भरने की डेट के लिए दोबारा नहीं बढ़ी, तो उम्मीद है कि 20 मई के बाद यूपी पुलिस की SI की नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। तो ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।